माय डियर स्टूडेंट, आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा। आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 5। नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड्स एंड बेसिस एंड साल्ट्स। इन वीडियो 4th फॉर क्लास 7 इन साइंस द टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अर्थात इससे पहले हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन समझाया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, अर्थात जिसमें एसिड और बेसिस आपस में कॉन्टेक्ट करके जो सब्सटेंस बनाते हैं उसे न्यूट्रल सब्सटेंस, और ऐसे प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा गया था। तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन हमारे दैनिक जीवन में भी काम आने वाली प्रोसेस है, रोजमर्रा की लाइफ में भी इसका उपयोग है। जैसे पहला पॉइंट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का अर्थ होता है बच्चों हिंदी में अपचन, यानी कि यदि प्रॉपर हमको डाइजेस्ट हो रहा है और यदि नहीं हो रहा तो वो कैसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है इनडाइजेशन की। बच्चों हम सब जानते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस में हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, और इस एसिड का क्या नाम है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ये काफी जरूरी है डाइजेशन के लिए, और हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं उनको भी किल करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन यदि इसकी मात्रा एक्सेस हो जाए, यानी टू मच ऑफ द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाए इन द स्टमक, कॉजेज इनडाइजेशन, उससे क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। यदि हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बन जाए तो क्या होगा, इससे इनडाइजेशन। और बच्चों बड़ा पेनफुल होता है, इट इज द पेनफुल, बड़ा दर्द होता है जब इनडाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। कभी कभी छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बड़े लोगों को अक्सर होती रहती है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए भाई, आपके स्टमक में ज्यादा एसिड बना हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, कोई बेस का यूज करेंगे और जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो टू रिलीव वी टेक एन एंटासिड। एंटासिड ऐसी मेडिसिन है जो बेसिक होती है नेचर से, कैसी होती है, बेसिक, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों इसे डाइजिन के नाम से भी जाना जाता है, समझे, बहुत ही लाइट पिंक कलर होता है इसका। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये दवा होती है, सभी केमिस्ट शॉप पर ये मिल सकती है लगभग। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड, और ये अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और हमें रिलीफ देती है। तो बच्चों इनडाइजेशन की प्रोसेस में भी हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। फिर अगला पॉइंट है एंट बाइट। कभी कभी हमें चींटियां काट लेती हैं बच्चों, समझे नहीं, तो आफ्टर बाइट इट इंजेक्ट द एसिड लिक्विड, यानी कि एक एसिड लिक्विड हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और इस लिक्विड का क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। और बच्चों जब ये एसिड हमारी स्किन के अंदर जाता है तो इससे हमें इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जलन होती है हमारी त्वचा में, इट कॉजेज इरिटेशन। इससे क्या होता है, हमारे त्वचा के अंदर इरिटेशन होती है बच्चों। इट कैन बी न्यूट्रलाइज, और इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाई रविंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, अर्थात कुछ मतलब मॉइस्ट, हल्का सा नमी हो उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा बेकिंग सोडा यदि हम उस स्किन पर रविंग करें, रगड़ें, हैं, तो हमें आराम प्राप्त होगा। जिसका क्या फॉर्मूला है बच्चों, बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैलमाइन सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं, कैलेमाइन सॉल्यूशन का भी यूज किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला है इसका, क्या क्या है इसका केमिकल नेम, जिंक कार्बोनेट, समझे नहीं,
इसका यूज करके भी हम एंड्राइड से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों, ये बेस है, ये भी बेकिंग सोडा भी बेस होता है और जिंक कार्बोनेट भी बेस होता है नेचर से, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हमें रिलीफ मिलता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल ट्रीटमेंट। बच्चों आज का साइंटिफिक युग है और हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, समझे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, या तो सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है या वो बेसिक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, या तो उसके अंदर ज़्यादा एसिड हो जाना या ज़्यादा बेस उसके अंदर जमा हो जाना, दोनों ही पोजिशन खतरनाक है सॉइल के लिए, एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए। तो वैन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों एसिड हो जाता है, क्या ज़्यादा हो जाता है, एसिड, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस। तो ये इसका उपचार किससे किया जाता है, बेसिस से, है एसिड का उपचार किससे करना चाहिए, बेसिस का, लाइक क्यूक्लाइम जो एक सॉलिड रूप होता है वाइट कलर का, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जो सफेदी में भी यूज करते हैं बच्चों, है वाइट वाश में भी यूज करते हैं, और सिलेक्ट लाइम, यानी कि या सिलेक्ट लाइम के रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको पानी में नहीं डालते, इसको पानी में डाल देते हैं, तो ये पानी में डालने पर सिलेक्ट लाइम हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। अब वेन द सॉइल इज टू बेसिक, जब सॉइल के अंदर ज़्यादा बेस हो जाए, समझे नहीं, तो ऐसी पोजिशन में इसका ट्रीटमेंट किससे करना चाहिए बच्चों, एसिड वाली चीज़ों से। तो इट इज ट्रीटेड विद द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से क्यों करते हैं, क्योंकि ये एसिड रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनता है, एसिड बनता है, दीज मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की बेसिक नेचर है उसको क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एक तरह से सॉइल के अंदर एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और जो एक अच्छी पोजिशन होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री वेस्ट। बच्चों फैक्ट्री वेस्ट भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, उनके अंदर क्या हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं बच्चों, वैसे बेस भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो मतलब कहने के जनरली क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडी, यदि जैसे रिवर के अंदर है, यदि इनको बहने दिया जाए, है वाटर बॉडीज मतलब जैसे रिवर आदि में बहने दिया जाए, द एसिड विल किल द फिश, जो पानी के अंदर फिश हैं उनको मार देगा, या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी मार देगा, उनकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर, इसलिए हम फैक्ट्री वेस्ट को पानी में डालने से पहले क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उदासीन, यदि उनमें एसिड है तो बेस डालने चाहिए। बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, जैसे बच्चों क्यूक लाइम हो गया, है सिलेक्ट लाइम हो गया आदि, ऐसे पदार्थ इसमें डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है 5.4 था, ये 5.5 एसिड रे। बच्चों क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमें देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफी पॉल्यूटेंट होते हैं, बहुत सारी एक तरह से प्रदूषक गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, समझे, तो ये रेनी वाटर से रिएक्ट करते हैं, रेनी ड्रॉप से रिएक्ट करती हैं ये गैसें, एंड फॉर्म कार्बोनिक, यदि कार्बन डाइऑक्साइड रेनी वाटर से क्रिया करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड यदि रेनी ड्रॉप से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यदि वाटर ड्रॉप से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, है रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से। फिर दीज एसिड डैमेज द बिल्डिंग, जो हमारे मकान हैं घर हैं उनको डैमेज करती हैं, उनकी ब्यूटीनेस को प्रभावित करती हैं, है फेंट करती हैं। हिस्टोरिकल मोनोमेंट, हिस्टोरिकल मोनोमेंट, ये जैसे ताजमहल है बच्चों,
आप देख रहे हैं कि ताजमहल की जो छवि है वो मतलब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है कम होती जा रही है। कारण क्या है कि एसिड रेन की वजह से, यदि रेन में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऐसी रेन को क्या कहेंगे, एसिडिक रेन कहेंगे बच्चों। तो ये रहा कि भाई इन एसिड का प्रभाव जो है हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पर भी पड़ रहा है, जो सुंदर सुंदर इमारत हैं ऐतिहासिक उन पर भी पड़ रहा है, प्लांट्स पौधों पर भी पड़ता है, एनिमल पर भी एक्सेट्रा, जैसे हमारी मशीनरी हैं आयरन वगैरह की। जैसे आप देखते हैं कि यदि वर्षा ऋतु में आप कोई लोहे की चीज़ें बाहर रख दें तो जल्दी रस्टिंग हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो, तो एसिड रेन हमारे लिए हार्मफुल होती है बच्चों। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो 4। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 फॉर क्लास 7 इन साइंस। थैंक यू।